मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अपनी खबर और इसके रचयिता हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी यह आत्मकथा जब वो 60 वर्ष की आयु के थे तब लिखी थी। उन्होंने इसमें अपने आरंभिक 21 वर्षों के जीवन चित्रण का वर्णन किया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप उग्र जी के जीवन से परिचित हो पाएंगे। इन्होंने अपना जीवन आर्थिक तंगी में तो बिताया ही था और साथ ही साथ उनके घर तथा आसपास का वातावरण में नैतिकता का भी बहुत अभाव रहा। इनका जन्म यूपी के मिर्जापुर के चुनार गांव में हुआ था। इनके पिताजी बहुत ही तेजस्वी सतोगुणी वैष्णव हृदय के थे लेकिन इनकी माताजी बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का निधन हो गया था। उग्र जी अपनी इस गलानी तथा दुखदायी आत्मकथा को कथा में कहते हैं कि हर बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती होंगी लेकिन मेरे जन्म पर तो थाली तक ना बजाई गई। मेरे एक दर्जन भाई बहन थे जिसमें से कुछ पैदा होने के एक दो वर्ष में ही प्रभु को प्यारे हो गए। मेरे परिवार के लिए यह बहुत ही दुख का विषय था इसलिए मेरे पैदा होते ही मुझे 1 टके में बेच दिया गया और मेरा नाम पड़ गया बेचन। पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं अपने बड़े भाई के पोषण में आ गया। हम लोग इतने गरीब थे कि लोग घर पर ही भीख पहुंचा दिया करते थे। मेरा बड़ा भाई जुए की लत में पड़ गया था। जब जुए की नाल की रकम वसूली होती थी तो ही घर में भोजन पकता था। मेरा भाई मेरी माँ और भाभी को मकान के पिछले खंड में कैद करके पिछले खंड में जुए का फड़ लगाया करता था और जहाँ पर मोहल्ले तथा गांव के शातिर जुआरी आया करते थे। चरस और गांजे की चिलमें देसी दारू की बोतलें खोली जाती थी। जब भी घर में जुआ जमता भाई की आज्ञा से दरवाजे पर बैठकर मैं गली के दोनों नाके ताड़ता कि पुलिस वाले तो नहीं आ रहे। इस ड्यूटी के बदले पैसा दो पैसा मुझे भी किसी परिचित जुआरी से मिल जाया करते थे। यूँ तो भाई मुझे भी बहुत मारा करता था लेकिन जब वह मेरी माँ को मारता तब भाई का आचरण मुझे बहुत ही बुरा मालूम पड़ता था लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एक दिन मेरा भाई जुए की लत में इस तरह से जकड़ गया था कि उसने भाभी के गहने तक बेच डाले और फिर बारी आई मेरी माँ की गहनों की। धीरे धीरे घर की एक एक चीज उसने दांव पर लगा दी और अब बारी आई रामायण गरुड़ पुराण भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों की। मेरे भाई ने इन ग्रंथों को भी बेचकर प्राप्त रकम को या तो जुए में उड़ा दिया या फिर चरस गांजा के धुएं में उड़ा दिया। एक दिन पुलिस के मोहल्ले में जुआरियों पर छापा मारा। संयोग से उस दिन जुआ हमारे घर पर नहीं बल्कि अलमू कुम्हार के घर पर चल रहा था। उस दिन मेरा भाई जुए में शामिल नहीं था। वह तो अलमू कुम्हार के घर पर पुलिस की सूचना देने के लिए गया था लेकिन पुलिस ने सबसे पहले उसे ही दबोच लिया। लगभग दर्जन भर जुआरी पकड़े गए। कुछ तो जूते छोड़कर ही भाग गए। इन जूतों की लंबी माला बनाकर जुआरियों के गले में डालकर जुलूस बनाकर जब पुलिस वाले राजपथ से हवालात की तरफ लेकर जा रहे थे तो उनमें से मेरा भाई भी शामिल था। यह बहकारी जुलूस के पीछे काफ़ी दूर तक रोते रोते मैं भी गया। काफ़ी दिनों तक मिर्जापुर में केस चलने के बाद उस मामले में मेरे भाई को 50 रुपये जुर्माना देना पड़ा। अब तो बेइज्जती के कारण चुनार में रहना भी मुश्किल हो गया था। इन्हीं दिनों भाई साहब ने प्रदेश जाकर कमाने की सूझी। तब वह पहले काशी और बाद में अयोध्या की रामलीला मंडली में काम करने लगे। तो अंखवा में उन्हें 2 वक्त का भोजन और 30 रुपये मिले। इनमें से वे 10-5 रुपये अक्सर चुनार भी भेज दिया करते थे लेकिन फिर भी हमारे घर की गरीबी
यूं की त्यों बनी रही। सुबह खा लिया तो रात का पता नहीं, और रात को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। जहाँ भोजन वस्त्र के लाले थे, वहाँ शिक्षा दीक्षा का क्या ही हाल रहा होगा, इसका अनुमान तो आप भी सहज ही लगा सकते हैं। जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों ही का सम्मिश्रण कहा जाता है, तो मैं तो नरक का जीवन दर्शन आरंभ किया। स्वर्ग जीवन में मुझे कहीं नज़र आया ही नहीं, और नरक की तलाश में किसी दिशा में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नरक लाख बुरा बदनाम हो, लेकिन अपना तो जीवन संगी बन चुका है। जब मेरे पिताजी जीवित थे, तब ना जाने दोनों बड़े भाइयों को रामलीला में पाठ करने का चस्का लग गया था। दोनों चुनार से भागकर मिर्जापुर रामलीला में राम लक्ष्मण का अभिनय करने लगे। यह देखकर पिताजी क्रोध से लाल पीले हो गए, और जनता की परवाह किए बिना दोनों को मारते पीटते बछड़े की तरह बांध कर चुनार ले आए। पिताजी के देहांत के बाद भाई साहब ने मुझे बनारस की एक रामलीला मंडली में अपने किसी मित्र के हवाले रख दिया। उस समय मेरी उम्र लगभग 8-9 वर्ष रही होगी। कुछ दिनों बाद भाई साहब ने मुझे अपने पास बुला लिया। मेरी शिक्षा तो केवल क ख घ ढ तक ही हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ना लिखना मेरे बलबूते की बात नहीं है, मगर इसे गला छुटाऊं तो कैसे। सुना था हनुमान चालीसा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास हनुमान चालीसा कहाँ। मैं जिस दर्जे में पढ़ता था, वहाँ एक काला सा लड़का छोटी जात का था। वह अपने बस्ते में रोज हनुमान चालीसा की एक प्रीति रखा करता था। मैंने एक दिन उसकी हनुमान चालीसा चुराने का निश्चय किया। मैं ऊंच जाति का और वह नीच जाति का, फिर भी मैंने हनुमान चालीसा चुरा ली, और बड़े चाव से मैं उसका पाठ करने लगा। तभी मेरा परिचय श्री रामचरितमानस से होने लगा। 10-11 वर्ष की आयु में रामायण में मैंने अनेकों पाठ किए थे। एक बार रामलीला में भरत का पात्र करने वाला पात्र बीमार हो गया। मेरे भाई ने मंडली के मालिक महंत को वचन दिया कि वह चिंता ना करे, भरत का पात्र बेचन कर लेगा। मुझे उन्होंने धमकी दी कि अगर भरत के पात्र में कोई भी त्रुटि हुई तो याद रखे, लीला भूमि से ही पीटते पीटते तक ले चलूँगा। मैं डर गया और मैंने सावधानी पूर्वक भूमिका निभाई। मेरा काम खूब सराहाया गया। 10 रुपये इनाम और 1 रुपया तनख्वाह बढ़ाने की भी बात कही गई। इनाम के रुपये तो भाई साहब ने के पल्ले लग गए। तब तक मैं 14 वर्ष का हो चला था। अब की बार रामलीला मंडली में छुट्टी पाकर चुनार आए थे। इस बार भाई साहब का महंत से झगड़ा हो गया था। इस बार जब हम घर आए तो मानो मेरा सौभाग्य जाग गया हो। मेरे चाचा चाची, जो कि पुत्रहीन थे, उन्होंने मुझे गोद लेने का निश्चय किया। उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दिलवाने का भी निर्णय लिया। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने मेरा नाम चुनार के एक विद्यालय में 3री कक्षा में लिखवा दिया। जब मैं 6ठी कक्षा में पहुंचा, तब मेरी चाची को एक पुत्र पैदा हुआ। चाचा चाची का मेरी ओर रुझान खत्म हो गया। चाचा अपने परिवार को लेकर काशी चले गए, और मैं फिर से भाई के चुंगल में फंस गया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।